ये बात, ये सवाल हर बार खुद को पूछना चाहिए, इवैल्यूएशन करना चाहिए और कहीं इस लक्ष्य को हम ओझल होते तो नहीं देख रहे हैं। हमेशा इस लक्ष्य को सामने रखिएगा, इसमें न डायवर्जन आना चाहिए और न ही डाइल्यूजन आना चाहिए। ये हम सबने देखा है कि जिस किसी में सेवा भाव कम हुआ, जिस किसी पर सत्ता भाव हावी हुआ, वो व्यक्ति हो या व्यवस्था, उसका बहुत नुकसान होता है। किसी का जल्दी हो जाए, किसी का देर से हो जाए, लेकिन नुकसान होना तय है। साथियों, आपको एक और बात मैं समझता हूं शायद काम आ सकती है। जब हम सेंस ऑफ ड्यूटी और सेंस ऑफ पर्पज के साथ काम करते हैं तो कभी भी कोई काम हमें बोझ नहीं लगता है। आप भी यहां एक सेंस ऑफ पर्पज के साथ आए हैं। आप समाज के लिए, देश के लिए एक सकारात्मक परिवर्तन का हिस्सा बनने आए हैं। आदेश देकर काम कराने और दूसरों को कर्तव्य बोध से प्रेरित करके, इन दोनों में काम करवाने के, इन दोनों तरीकों में आसमान जमीन का अंतर होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है। ये एक लीडरशिप क्वालिटी है, मैं समझता हूं, जो आपको खुद में विकसित करनी होगी। टीम स्पिरिट के लिए ये एक अनिवार्यता है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज संभव नहीं है, इसे करना बहुत जरूरी है। साथियों, अब से कुछ महीने बाद ही आप लोग फील्ड में काम करने जाएंगे, अपने आगे के जीवन को, और उसमें आपको फाइलों और फील्ड का फर्क समझते हुए ही काम करना होगा। फाइलों में आपको असली फील नहीं मिलेगी, फील्ड के लिए आपको फील्ड से जुड़े रहना ही होगा। और मेरी ये बात आप जीवन भर याद रखिएगा कि फाइलों में जो आंकड़े होते हैं वो सिर्फ नंबर्स नहीं होते, हर एक आंकड़ा, हर एक नंबर एक जीवन होता है। उस जीवन के कुछ सपने होते हैं, उस जीवन की कुछ आकांक्षाएं होती हैं, उस जीवन के सामने कुछ कठिनाइयां होती हैं, चुनौतियां होती हैं, और इसलिए आपको नंबर के लिए नहीं, हर एक जीवन के लिए काम करना है। मैं आपके सामने मेरे मन की एक भावना और भी रखना चाहता हूं, और ये मंत्र आपको निर्णय लेने का साहस भी देगा, और इसे फॉलो करेंगे तो आपसे गलती होने की संभावना भी कम होगी।